अयोध्या मसले को लेकर 27 सितंबर को सीबीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह को तलब किया। उससे पूर्व कल्याण सिंह बीजेपी ज्वाइन कर सक्रिय राजनीति में भी आ गए हैं। इसको देखकर अयोध्या में संत समाज को राम मंदिर को लेकर बड़ी आशा जगी। श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह को अयोध्या आकर श्री रामलला का दर्शन करने का आह्वान किया। महंत नृत्य गोपाल दास का कहना है कि कल्याण सिंह राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए हैं। कल्याण सिंह का हिंदू समाज ऋणी है। उनको बार बार अयोध्या आकर राम मंदिर को लेकर जागृति करना चाहिए। न्यास अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने आशा किया है कि जन्म स्थान पर जल्द ही राम का मंदिर होगा और निर्माण होगा। उनका कहना है कि एक ओर नरेंद्र मोदी केंद्र में है, वहीं प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं। ऐसे में अब मंदिर नहीं बना तो राम मंदिर का निर्माण कब होगा। आपको बताते चले कि महंत नृत्य गोपाल दास राम जन्मभूमि न्याय के अध्यक्ष हैं। और इन्हीं के नेतृत्व में राम मंदिर निर्माण के लिए कार्यशाला में पत्थर तराशने का कार्य चल रहा है। ऐसे में अब अयोध्या के संत महंत अपने हिंदूवादी नेता कल्याण सिंह को अयोध्या में आकर रामलला के दर्शन करते देखना चाहते हैं। कल्याण सिंह प्रमुख राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए, क्या लगता नहीं कि उनको रामलला का आके दर्शन करना चाहिए? अब जब ठीक है, रामलला का दर्शन तो सबको करना चाहिए, इसलिए सब रामलला का दरबारा जो भी अब है। कल्याण सिंह तो बहुत पुराने यहाँ के, जिन्होंने राम सरकार सेवकों का बहुत बड़ा कार्य किया, संपादन किया। कल्याण सिंह का तो समाज, हिंदू समाज ऋणी रहेगा। कल्याण सिंह जी तो बार बार अयोध्या जी आना चाहिए और यहाँ फिर से जागृति करनी चाहिए। बिल्कुल, जब जल्दी एक और योगी एक और मोदी, अब नहीं होगा तो फिर कब होगा? जल्दी से जल्दी रामलला जो है विराजमान है, मंदिर का निर्माण होगा।